देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पिछले दिनों एक दुकानदार के साथ मारपीट हो गई और उस मारपीट में ऐसा सांप्रदायिक रंग ले लिया कि हिंदू संगठनों के लोग वहां की एक 5 मंजिला मस्जिद को ध्वस्त करने पर आमादा हो गए। इस कदर आक्रोशित हो गए कि जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तब वह पुलिस पर भी भिड़ गए। पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड तोड़ दिए गए तब पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। शिमला की पुलिस पूरी तरह से इस विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोशिश में लगी है, पर सवाल ये खड़ा होता है कि संजौली की इस मस्जिद को हिंदू संगठन क्यों ध्वस्त करना चाहते हैं? आखिर इस मस्जिद का विवाद क्या है? क्यों हिंदूवादी संगठन इस मस्जिद में अवैध निर्माण की बात कर रहे हैं? आखिर क्यों हिंदूवादी नेता इस मस्जिद को हमेशा के लिए तोड़ देना चाहते हैं? सवाल ये भी है कि क्या ये मुद्दा अवैध निर्माण का है या इसमें हो रही है राजनीति, क्योंकि इस राजनीति के एक कोने पर कांग्रेस है और दूसरे कोने पर है भाजपा। साथ ही इस मामले में अब कूद पड़े हैं AIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, जो मामले को और तूल दे रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ रहा है और हिंदूवादी संगठन मस्जिद को ध्वस्त क्यों करना चाहते हैं और इन संगठनों की सरपरस्ती कौन कर रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं UP 76 खबर हमारी दुनिया। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें UP 76। शिमला में मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद से कोई अछूता नहीं है और वर्तमान समय में सोशल मीडिया से लेकर TV चैनलों व अखबारों में खबरें आम है। आप हमारी स्क्रीन पर जो मस्जिद देख रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की है और शिमला के सबसे पौश इलाके मॉल रोड से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर बनी संजौली की ये मस्जिद आजाद भारत से पहले की बताई जा रही है, पर उस समय मस्जिद छोटी हुआ करती थी और वर्ष 2010 में इस मस्जिद को पक्का करने के लिए निर्माण कार्य कराया गया। तब नगर निगम ने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई थी कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है और नगर निगम ने नोटिस भी दिया कि मस्जिद के निर्माण का कार्य रोक दिया जाए, लेकिन काम नहीं रुका और मस्जिद कमेटी के लोग कमिश्नर कोर्ट चले गए और वहां मामला विचाराधीन रहा और इसे धीरे धीरे 5 मंजिला तक बना दिया गया। और इस बीच नगर निगम की ओर से लगभग 35 बार नोटिस आया कि मस्जिद के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाए, परंतु मामला कोर्ट में होने के चलते कोई एक्शन भी नहीं हो पाया। आपको बता दें कि कोर्ट भी इस मामले पर लगभग 45 बार सुनवाई कर चुकी है लेकिन कोई निर्णायक फैसला नहीं निकलकर सामने आया। वहीं मस्जिद कमेटी का कहना है कि मस्जिद के वक्फ बोर्ड के कागज अदालत को सौंपे जा चुके हैं क्योंकि मामला वक्फ बोर्ड का है और अब 5 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि इस मस्जिद को लेकर असल विवाद जो शुरू हुआ है वो 31 अगस्त 2024 के इस दिन शिमला के एक दुकानदार के साथ कुछ लोगों ने मारपीट शुरू कर दी और इस मारपीट को लेकर पीड़ित विक्रम सिंह ने थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया और कहा कि इसके साथ जो मारपीट करने वाले हैं उनकी पिटाई करके भागकर संजौली की मस्जिद में छिप गए। पुलिस ने 2 नाबालिगों सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया जिसमें 4 बालिग आरोपी हैं, गुलनवाज, तारिक, फैजली और रोहित। और इस मारपीट की घटना के बाद से ही ये मस्जिद हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गई। मस्जिद को अवैध करार देकर प्रशासन पर मस्जिद को गिराने के लिए दबाव बनाने लगे। प्रशासन मामला कोर्ट में होने की बात कहकर मुद्दे को टालने की बात करता रहा और फिर हिंदू संगठनों के लोग भड़क गए। 2 बार के प्रदर्शन के बाद उन्होंने 11 सितंबर को संजौली में प्रदर्शन करने का ऐलान किया और कहा कि बड़ा प्रदर्शन होगा, परंतु पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी, यहाँ तक कि पुलिस की तरफ से संजौली में धारा 163 लागू कर दी गई और 5 लोगों से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने की इजाजत नहीं दी गई और पुलिस ने 10 सितंबर की रात को शांति व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च भी निकाला, परंतु 11 सितंबर की सुबह होते होते ही पुलिस की सारी व्यवस्था फेल हो गई। हिंदू संगठनों के हजारों लोग शिमला की सड़कों पर उतर आए और संजौली की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने एहतियात के तौर पर रास्ते में जो बैरिकेड लगाए थे हिंदू संगठनों के लोगों ने वह बैरिकेड तोड़ दिए।
पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए लाठी चार्ज भी किया और वाटर कैनल का भी इस्तेमाल किया, पर भीड़ नहीं मानी। पुलिस इस पूरी कोशिश में है कि भीड़ को संजोली मस्जिद के पास इकट्ठा ना होने दे। अब सवाल ये है कि मामला सिर्फ इतना ही है या इसमें कोई राजनीति भी है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ बिना राजनीति के इकट्ठा नहीं हो सकती। दरअसल मस्जिद के इस विवाद को अब रोहिंग्या मुसलमानों से जोड़ दिया गया है और वहां कहा जा रहा है कि शिमला के संजोली में म्यांमार व बांग्लादेश से आए घुसपैठियों की संख्या ज्यादा हो गई है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और यहां के कांग्रेस के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी विधानसभा में ये कह दिया था कि विशेष समुदाय के नए नए लोग रोज यहाँ आ रहे हैं। क्या ये रोहिंग्या हैं? यदि कोई स्थानीय व्यक्ति अवैध कुछ बना ले तो उसे तोड़ दिया जाता है। और संजोली में बिना परमिशन बहुमंजिला मस्जिद बना दी गई, इसे तोड़ा नहीं गया। अनिरुद्ध सिंह ने यह भी कह दिया कि संजोली के बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है, चोरियां लव जिहाद हो रहा है, जो प्रदेश की नहीं पूरे देश के लिए खतरनाक है। और जब कांग्रेस के मंत्री ने जब ऐसा बयान दिया तब AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी हमलावर हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अनिरुद्ध सिंह का एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है? कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में हिमाचल में नफरत ही नफरत है। तो वहीं मंत्री विक्रमादित्य ने भी संजोली मामले पर बयान दिया। भवन के निर्माण की बात है उस पर, क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है, म्यूनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, वहाँ पर उसकी हियरिंग होगी तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। और हमने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको जो है कानून के प्रक्रिया के माध्यम से उसको डिमोलिश। अब इतने बयानों पर भाजपा कहाँ चुप रहने वाली है? हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से लेकर हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर तक सब सरकार पर हमलावर हो गए। के खिलाफ 2010 में ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिकायत दर्ज हो गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं अभी तक हो पाई और बार बार आगे की तारीखें उसमें लगती रही। इस दृष्टि से अब ये स्थिति इस प्रकार की बनी हुई है। वहां 4 मंजिल से भी ज्यादा का बड़ा भवन वहां पर बन करके तैयार हुआ, जहां एक दर्जी का भी एक ढारा बना करके काम करने के लिए आया था, बाद में और लोगों को भी लेकर के वहां पर जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है होती रही। सबसे पहली बात तो है कि मंत्री जी ने भी कल विधानसभा के अंदर कहा है कि ये निर्माण जो है ये अवैध निर्माण है और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां लोगों की भावना भटकी है उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम शांति रखें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इसके लिए अगर जिम्मेवार है तो सरकार है। मुझे लगता है इस मुद्दे की गहराई में जाना चाहिए और ये जो नई परिस्थितियां बनी हैं इसके कारण क्या रहे और इससे लोकल डेमोग्राफी पे कितना फर्क पड़ रहा है। ये स्थानीय लोगों में जो रोष है उसके बहुत गंभीर कारण है और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली हैं और मुझे लगता है इसकी गहराई में इसलिए जाना जरूरी है कि भविष्य में इस तरह के प्रयास आगे ना किए। आपको बता दें कि अब जो कुछ भी शिमला के संजोली में हो रहा है उसका असर शिमला से भी आगे निकल रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी कहा है कि हम प्रदेश में किसी भी तरह की वारदात नहीं होने देंगे। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि किसी भी प्रकार की वारदात ना तो हम प्रदेश में होने देंगे और ना ही किसी समुदाय को हमारा तंग करने का मकसद है। जो भी राजनीतिक प्रोटेस्ट होते हैं वो चले रहते हैं और निश्चित तौर पर किसी भी, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उस राजनीतिक दल के किसी भी कार्यकर्ता को प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है, ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। लेकिन हमें कई बार छोटी बात भी बड़ी बन जाती है तो हमें इन चीज़ों पर अभी ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं और हमारे जो वहाँ के लोकल MLA हैं और हमारे मिनिस्टर, उनको मैंने समझाया है। तो इस खबर में हमारा साथ बस इतना ही।
और हम जल्द लौटेंगे किसी और खबर के साथ। और इस खबर को लेकर यदि आपकी कोई राय या मशवरा हो तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखते रहें यूपी चैप्टर में, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।